Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the view of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। So guys, first of all, happy new year आप सभी लोगों को, belated happy new year, because कल जो है हम लोग मिल नहीं पाए, कल 1 जनवरी था और कल क्लास है जो कि अपने नहीं हो पाई थी। तो आज सुबह मॉर्निंग में दोस्तों हम हमारी 2 बजे वाली क्लास को कंटिन्यू, 5 बजे वाली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलने वाला है। तो आज है 2nd of January गाइज, और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग करने वाले हैं, साथ में प्रीवियस के जो प्रीवियस ईयर के जो आपके एनटीपीसी के सवाल है वो भी हम साथ में कवर करेंगे। ओके गाइस, देखते हैं आज का कोर ऑफ द डे। नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम्स टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। तो गाइस एक बहुत अच्छी बात बोली गई, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जब आप हेल्पलेस हो जाते हो, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आती आपकी लाइफ को। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे तूफान भी आते हैं हमारी जिंदगी में जो कि हमारे पाथ को जो है वो क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं। ओके, तो बस ये देखने का नजरिया होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, और कुछ भी अगर बुरा होता है, अच्छा होता है, तो उससे बहुत सारी लर्निंग होती है, उसको समझने की कोशिश करें, उसका आउटकम निकालने की कोशिश करें। एंड ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आपको अपने बुरे वक्त से भी बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि सीखने को मिलेगी। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 है जो कि रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। SSC के लिए दोस्तों 11 तारीख से 11 जनवरी से मेरा प्लस कोर्स आने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, यहाँ पे मैं कंप्लीट GK जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी दोस्तों सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकें। पुनेज टेस्ट आप किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं, UPSC में भी 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि चल रहा है। ओके, SSC की प्राइसेस दोस्तों 1 तारीख से बढ़ने वाली थी, लेकिन बच्चों की भारी डिमांड के बाद अब इसको 11 जनवरी कर दिया गया है। तो आप 11 जनवरी तक गाइस जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 महीने का रेफरल कोड BHU10 लगा के अप्लाई कर दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा मात्र 450 रुपये पर मंथ में। क्वेश्चन नंबर डे की बात करते हैं। हाल ही में मयिलादुथुरई का डैश के 38वें जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है। तो ये जो नया जिला बना है ना गाइस जी, कहाँ पे बना है, तमिलनाडु के अंदर बना है, 38वां जिला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर लगाने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोस्तों यहाँ पे एक इंडिया का फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब दोस्तों ये भी लगाने के लिए पार्टनरशिप करी है। इसके अलावा तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है दोस्तों कंट्री के अंदर जो कि पॉलिसी बनाया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स है पोंगल, जल्लीकट्टू, नत्यांजलि, काफी फेमस है तीनों। भारतीय रेलवे के नए विस्टा डोम कोच डैश में निर्मित किए गए हैं। तो ये जो नए विस्टा डोम कोच है ना, ये हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है गाइस चेन्नई के अंदर, वहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों जो कि किया गया है। तो 180 किलोमीटर पर आर वाले जो आपके ट्रायल्स है ना, जो कि विस्टा डोम टूरिस्ट कोचेस के बनाए जा रहे हैं, ये आपके कहाँ पे बनाए गए, ये चेन्नई के अंदर दोस्तों बनाए गए हैं। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का ओपनिंग कहाँ गया किया गया है। पॉलिनेटर पार्क की बात करें तो आसाम में दोस्तों इसका ओपनिंग है जो कि किया गया है, सॉरी आसाम नहीं है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड, हल्द्वानी वाला जो एरिया है ना वहां पे दोस्तों उसका उद्घाटन है जो कि किया गया है। 4 एकड़ की जमीन है, बटरफ्लाई, हनी बीज, बर्ड्स, इंसेक्ट, यहाँ पे नियर बाय 40 स्पीशीज है जिसको पहला पॉलिनेटर पार्क है दोस्तों जो कि बनाया गया है। ओके, उत्तराखंड की बात करें, 13 डिस्ट्रिक्ट है, गारसेन समर कैपिटल, विंटर कैपिटल यहाँ पे देहरादून मानी जाती है, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, रावत साहब यहाँ पे CM, 70 विधानसभा, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। फैक्ट्स की बात करें गाइस, तो हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब यहीं पर ही है। 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर दोस्तों 2 डिवीजन कुमाऊं और गढ़वाल के अंदर डिवाइडेड है, और कुछ रिसेंटली 4 नए डिस्ट्रिक्ट भी दोस्तों जो कि बनाए गए थे। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे नेशनल पार्क कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये काफी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ में साझेदारी करने वाला पहला बैंक है, बताओ। तो फास्टैग को जारी करने के लिए गूगल पे के साथ में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ICICI बैंक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसने टाइप है दोस्तों जो कि गूगल पे के साथ में किया है। 1994 में ICICI बैंक की शुरुआत हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है गाइस। गिरीश चंद्रा
चतुर्वेदी जी है दोस्तों, जो कि अभी इसके चेयरमैन है, और संदीप बख्शी जी अभी इसके सीईओ है। निरंजन बनोडकर को डैश के नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है, मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दोस्तों, जो निरंजन जी को बनाया गया है, वो यस बैंक के हैं, जो कि बनाया गया है। यस बैंक की बात करें, 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। मुंबई में हेडक्वार्टर प्रशांत कुमार है, जो कि अभी एमडी और सीईओ है। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर राजेंद्र नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये वीरमणि जी को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित है, जो कि किया गया है। ठीक है, और ड्रेविडन कजागम के प्रेसिडेंट है वीरामणि जी, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तानसेन सम्मान से सम्मानित की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली जो है तानसेन अवार्ड किसको मिला है? सतीश व्यास जी को मिला है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश के अंदर 96 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत हुई ग्वालियर के अंदर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ में, और संतूर प्लेयर है मतलब पंडित सतीश व्यास जी, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तानसेन की बात करें, बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर दोस्तों ये म्यूजिशियन रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, राजा रामचंद्र सिंह थे, रेवा के किंग थे, उनके वहां पर दोस्तों ये हुआ करते थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? इंजीनियर पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं गाइस, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर 2020, तो ये वी के यादव को, जो कि अपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अंडर जो रिफॉर्म है इंडियन रेलवे के, उसको लेकर ये अवार्ड मिला है। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली के स्वदेशी निर्मित को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली अगर मैं इंडिजीनियस बनाने की मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो आकाश को दोस्तों ये अवेलेबिलिटी है, जो कि गवर्नमेंट ने अवेलेबिलिटी है, जो कि कराने के लिए बोला है। ठीक है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आप देख सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? और ये विधेयक जो पारित किया गया है गाइस, मदरसास को, स्टेट रन मदरसास को अबॉलिश करने के लिए आसाम के द्वारा दोस्तों किया गया है। इसके अलावा गाइस, 6 जनवरी सुबह 10 बजे वाला टाइम मत भूलिएगा, क्योंकि 3 मंथ चैलेंज की क्लासेस फिर से लौट आई हैं। 3 मंथ चैलेंज की क्लासेस फिर से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, सब कुछ हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो 3 मंथ चैलेंज का जो है वो वापस से बैक होने जा रहा है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो करिएगा, 6 जनवरी सुबह 10 बजे से अनअकैडमी के फ्री क्लासेस के अंदर ये क्लासेस है, जो कि आपको मिलेगी। ठीक है गाइस, आसाम इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आसाम के द्वारा अबॉलिश करने के लिए बोला जा रहा है, उनको जनरल स्कूल है दोस्तों जो कि बनाया जाएगा। ओके, चलिए। हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब को जो मंजूरी दी गई है, ये कहाँ पे दिया गया है गाइस, जल्दी बताइए। ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा के अंदर है। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है दोस्तों, एक तो कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया आंध्र प्रदेश, एक तामा टू मा कुरु इंडस्ट्रियल एरिया कर्नाटका, और एक आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी यूपी के अंदर है। ओके, हाल ही में किसे इसरो के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी 2022 तक का एक्सटेंशन है, जो कि प्राप्त हुआ है? तो 1 साल का एक्सटेंशन दोस्तों सती हमारे जो के सिवन साहब है, सतीश रेड्डी जो तो डीआरडीओ के हैं, तो ये जो हमारे के सिवन साहब है दोस्तों, इसरो के हेड है, तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन है जो कि मिला है। इसरो की बात करें, 1969 में फॉर्मेशन हुआ और बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जोसेफ वैन्यूर का निधन हो गया, वह एक कौन थे? तो जोसेफ वैन्यूर की बात करें गाइस, तो ये बहुत ही फेमस एक तरीके से ब्रॉडकास्टर थे, ये बहुत ही जबरदस्त वो इनको माना जाता था। तो आप देख सकते हैं इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो पे, इंग्लिश न्यूज चैनल के ऊपर काफी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा गाइस, प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस प्रकार के पूछे गए। द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफ्रीका अफगानिस्तान इज नोन एज,
अफगानिस्तान के अगर मैं दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो उसको इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान है दोस्तों, जो कि कहते हैं। ये देखिए अफगानिस्तान क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक, लैंडलॉक्ड कंट्री है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में, काबुल कैपिटल है, अशरफ गानी यहाँ पे प्रेसिडेंट है और अफगानी यहाँ पे करेंसी चलती है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को दोस्तों अपनाया गया था। जब मिल्क दोस्तों खट्टा होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो मिल्क के अंदर क्या होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड है जो कि आपको मिलता है। ओके, येलो फीवर मुख्य रूप से मनुष्यों में किसके कारण फैलता है, तो येलो फीवर की बात करें या कोई से भी फीवर की बात करें तो आपके मेल मॉस्किटो नहीं होगा आंसर, फीमेल मॉस्किटो होती है एंडेस करके, एंडेस मॉस्किटो, उसके बाइट से दोस्तों ये ट्रांसमिशन है जो कि होता है। ओके, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था, तो भारत में ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ गाइस वो कब हुआ, 1947 15 अगस्त को दोस्तों हुआ था। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा क्राउन रूल इंडिया में 1858 से लेकर 1947 तक रहा। इलेक्ट्रॉन मोटर दोस्तों क्या कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर सॉरी, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये आपके बिजली वाले जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ये देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाई मोटर में और ये मैकेनिकल बन गई। ठीक है, जब कार एक मोड़ लेती है तो बल जो है हम वक्र के बाहर की ओर धकेलती है वह क्या है, आपको मालूम है जब आप इस तरीके से रोड पे जा हाईवे पे जा रहे होते हो और सब जब आप गाड़ी घुमा रहे होते हो ना आप अपनी गाड़ी, तो घुमाते वक्त दोस्तों गाड़ी बाहर की तरफ जब निकल रही होती है इसलिए इसका एलिवेशन जो है थोड़ा सा इस तरीके से दिया हुआ होता है, रोड का एलिवेशन थोड़ा सा इस तरीके से दिया होता है जब आप घुमाते हो। क्यों, क्योंकि जब आपका आउटसाइडिंग फोर्स और जो इनसाइडिंग फोर्स है ना वेट का ऐसे टेढ़ा करने से फायदा मिलता है, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ नहीं गिरती है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोस्तों जो कि कहते हैं, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, तो इसलिए मोड़ के ऊपर जो है थोड़ी सी रोड टेढ़ी होती है। टेढ़ी का मतलब क्या होता है कि जो ये बाहर का फोर्स है ना ये आपकी गाड़ी के वेट से, क्योंकि टेढ़ा है वो क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी गगन नागर दोस्तों किससे जुड़े हैं, तो गगन नागर हमारे देश के बहुत ही जबरदस्त एयर राइफल शूटिंग इवेंट है दोस्तों जो कि रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई करने, एकमात्र इंडियंस। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो दोस्तों 1975 के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना है जो कि बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड दोस्तों नहीं है, कौन सा नहीं है, गॉल ब्लैडर कोई ग्लैंड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये आपके गॉल ब्लैडर से ही आपका सीक्रेशन होता है चीजों का जो कि फैट और बाकी सबको डाइजेस्ट करने के अंदर काम आते हैं। ओके गाइज, चलिए इसके अलावा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो BHU10 या बुनेस्टन यूज कर सकते हैं दोस्तों, 11 जनवरी से जो है प्राइस बढ़ेगी आपके बच्चों की डिमांड की वजह से, उसको 1 से 11 जनवरी कर दिया गया है, तो बुनेस्टन यूज करके SSC का सब्सक्रिप्शन या UPSC का या कोई नया किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आपका नीट हो IIT हो, आप बुनेस्टन उसमें यूज कर सकते हैं, प्राइसेस 11 से इंक्रीज होगी तो आप अपना 12 मंथ का ले लीजिएगा। ओके, इंडियन ज्योग्राफी है जो कि मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ 11 तारीख से ही, और उससे पहले भी दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश की पूरी क्लासेस मिलती रहेगी, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, गोल सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 12 महीने के ऊपर जाइए, फिर रेफरल कोड पूछेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे BHU10 या BHU10 कुछ भी जो लगाना है वो लगा दीजिए, ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने डैश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करी है, कहाँ पे करी गई है दोस्तों ये आपको बताना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, तो मिलते हैं वापस से कल की क्लास में, सुबह 8 बजे वाली क्लास का ऑफ है गाइस, आज क्लास नहीं है 8 बजे वाली, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।